यार भोपाल, ये आफ्ताब साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? धूप में खड़े होकर पसीना पहुंचा रहे होंगे, तुझे क्या लेना, तू चलना। अरे वकील साहब, भाई ऐसी भी क्या बेरुखी हमसे, बड़ी नाराजगी के साथ जा रहे हैं। नहीं नहीं, हमने आपको देखा नहीं था। बैंक के सामने बड़ी भीड़ नजर आ रही है, क्या बात है, नोट बंट रहे हैं। ऐसी बात नहीं, लुटेरे कौन थे? अभी इसका पता नहीं चला। अब देखिए ना, इस हफ्ते में यह तीसरी बैंक डकैती है। लुटेरों का पता लग जाए तो जरूर बताइएगा। क्यों, उनकी नौकरी करूंगा ना यार। आप तो बहुत मजाकिया हैं। मैं तो ये कह रहा था कि पर मैं कह रहा हूँ कि मैं इस केस पर काम नहीं करूंगा, आप इससे पूछ लीजिए। मैं जानता हूँ आप मजाक कर रहे हैं, जासूसी तो आपकी खुराक है। देखिए, इस खुराक से आजकल मेरे पेट में दर्द होता है। वैसे उन लुटेरों को पकड़ने पर कितने इनाम है? पूरे 5,000। बस देखो, ये इनाम बढ़ा के 10,000 भी किया जा सकता है। अब देखिए ना क्या है कि अभी अभी हमने संतो मिसिंग के साथ में लिया है, हाँ तो बस थोड़ा उसमें बिजी है। खैर फिर भी हम लोग सोचेंगे। जब मैं कह रहा हूँ मैंने जासूसी नहीं करनी तो क्यों? आज आप बहुत मजाक के मूड में है गोपाल जी। अजीब बात है, जब मैं सीरियस होता हूँ लोग समझते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, जब मजाक करता हूँ लोग समझते हैं मैं सीरियस हूँ। देखिए भाई साहब, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा और सुख का जीवन बताऊंगा। तुझे चलना है तू चल। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, चाय ठंडी हो रही है। अब चाय ठंडी हो या गर्म, पीनी तुझे या मुझे? ले पकड़ और जा। बट्टी के मैकेनिक और अंगूर वाला सेठ, गाड़ी ठीक हो गई? एकदम रेडी भैया। वैसे खराबी क्या थी? अरे हॉर्न को छोड़ के सब कुछ बज रहा था भैया। वो क्या है ना दादा, मुझे बहुत दूर जाना है, थोड़ा ट्रायल लेकर देख लूं। हाँ जरूर देखो। मना तुम ये रुको, और अंगूर वाला से क्या हाल है? आइए आइए राम जी, गोपाल जी, और सुनाओ क्या हाल है? और आप सुनाइए, आपको क्या हाल है? ठीक है, हमारी गाड़ी का धुलवाइए, अभी मंगवाई देता हूँ, बैठे ना आप भी। अबे राज, अबे गाड़ी ले आ इनकी। और सुनाइए जासूसी कैसी हो रही है? इसका दिमाग खराब हो गया, कहता है जासूसी नहीं करेगा। अबे तुझे करनी है तू कर। हाँ हाँ मैं तो करूंगा, मैं तेरी तरह मुर्दा थोड़े हूँ। अच्छा, जब पिटने की बारी आती है सबसे पहले तू ही भागता है। क्या मैं भागता हूँ? नहीं नहीं, सबसे पहले तू भागता है। जा पकड़ लेना। हाँ हाँ पकड़ लूंगा पकड़ लूंगा, उन लुटेरों को भी और उस संतों को भी। सामने बैठी है, जा पकड़ ले। भाई साहब इसे बम भी हो सकता है। अरे बाप रे, इसे खोल के तो देखो। आप खोलिए ना, आप खोलिए ना, आप खोलिए ना। बाप रे, इतने रुपए लाओ मुझे दे दो। अबे तू इसका क्या करेगा यार, उन्हें वापस ले जाऊंगा। चल मोटरसाइकिल स्टार्ट कर। यार वो वापस आकर ले जाएगी यार, और एक बेचारे दो प्रेमी बिना पैसे के कैसे रह पाएंगे। हाँ यार ये तो तू ठीक कहता है। चल चल मोटरसाइकिल स्टार्ट कर। ये बोल जा। हाँ तुम्हीं कर, तुम्हीं कर, तुम्हीं कर। पकड़ राम, बोल जा दे राम, ने बोल जा दे ठीक है भैया। अरे अरे मेरे पैसे तो किसी ने भी दिए भैया, मेरे पैसे तो देते जाओ, वो भी ले चले।
क्या आपने कोई देखा जो मैंने देखा? अरे क्या देखा? अरे रामगोपाल जा रहे हैं। जासूस रामगोपाल? हाँ जरूर, ये किसी चोर का पीछा कर रहे हैं। चलो इनकी मदद करें, शायद हमारे हाथ भी कुछ लग जाए। चलो 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 चलो। अरे भैया क्यों चोर सिपाही का खेल खेल रहे हो? अरे यार अपने पर्स तो लेते जाओ। इधर भी नहीं। अच्छा भाग रहा था? मैंने कुछ नहीं किया वल्लर साहब, मैंने इसे नहीं भगाया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अच्छा तो तू बेकसूर है? बेकसूर ऐसे ही नहीं भागते। देखिए वल्लर साहब मैंने कुछ नहीं किया, ये तो खुद ही मेरे साथ भागी थी। क्या? और नहीं तो क्या, मैंने कहा था कि मेरे साथ भागो, तुमने कह रही थी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। अच्छा मैंने ऐसा कब कहा? तुमने तो कहा था घर से भागकर हीरो हीरोइन की तरह शादी करेंगे। अच्छा झूठी? झूठी? तू झूठा। मैं झूठा? तू झूठी, तेरी माँ झूठी, तेरा बाप झूठा, तेरा पूरा खानदान झूठा। क्यों तेरी सास पुष्ट है झूठी? एक मिनट अभी पता चल जाएगा। तुम लोग कौन? देखिए भाई साहब मैं शहर में अकेला रहता हूँ,
बाहर से पढ़ने आया हूँ। पढ़ने आया है या लड़कियों को उल्टी सीधी पट्टी बनाने आया है? हवलदार साहब ले जाओ इसको, हवा हाथ में डाल दो। चल से जब मत छोड़ भी। अरे तो मैंने कह दिया मुझे मेरा घर छोड़ दो, मैं तो कुंवारी हूँ। कहाँ जाती हो? वो चिड़िया घर है ना। कौन से मंजिले में? नहीं नहीं उसके पीछे। चलो आओ। लड़की है, किताबों में कुछ रखती है नहीं, शरीफ लड़की है, इसीलिए तो भाग गई, वरना भगा ले जाती। जी क्या मतलब है आपका? बाकी ये लोग महान हैं। ये नालायक। Shut your mouth। आप रुकिए मैं भी आती हूँ। चल संतो। मिस्टर हैरी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? गले मुर्दे उखाड़ रहे हैं। You shut up। ये लीजिए आपकी फीस 5,000। Thank you, thank you। 5,000। यार यहाँ क्यों रोक दी? यार मोहब्बत की चिंगारी ने शोलंग का रूप धारण किया, मैं आज उससे जरूर मिलूंगा। मगर किससे? यार अपनी आशा से। यार तू उससे दूसरी बार मिलने जा रहा है, वो भी सीधे उसके घर। जब प्यार किया तो डर कैसा, जब प्यार किया तो डर कैसा। चल तू उधर। लेकिन यार मैं कहाँ जाऊँ? जाना यार तू होटल में जाना, मैं उसको साथ लेकर आऊंगा यार। नहीं नहीं मोटरसाइकिल दे। देना यार दे देना मोटरसाइकिल, उसको बिठा कर लाऊंगा यार। यहाँ से गुजर रहा था, आपका नाम बताया आ गया तो सोचा मिलता चलूं। कहो तो नहीं तो वापस चला जाता हूँ। नहीं नहीं आइए ना। आप हारमोनियम बहुत अच्छा बजाती हैं। मैं हारमोनियम बजा नहीं रही थी, धूल साफ कर रही थी। क्या मतलब? रोज बच्चों की गर्दन झुकवाती थी, आज इनके सामने झुकानी पड़ी ना। हेलो अंकल, माय नेम इज बबलू, बबलू शर्मा। और मुझे गोपाल कहते हैं। गोपाल, अच्छा तो आप गायों को पालते हैं। बबलू आप बैठिए ना। अच्छा अंकल एक बात बताइए, जिसकी कोई नहीं सुनता और जो हर समय बोलता रहता उसे क्या कहेंगे? नहीं पता क्या? उसे टीचर कहते हैं, जैसे मेरी दीदी। ये बहुत शैतान है। बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ये तो मैं भी कहता हूँ, पर ये लोग मेरी बात को मजाक समझते हैं। ए तू चुप बैठ। आप बैठिए, मैं अभी आई। अंकल अंकल आप करते क्या हैं? बेटा मैं
जासूसी करता हूँ। तो करके बतलाइए। बेटे वो सज्जन कौन है? वो सज्जन नहीं, मेरे पापा हैं। बेटे सज्जन का मतलब शरीफ। वो आपको कैसे पता चला वो शरीफ हैं? उनके हावभाव से। वो तो वह अभिनय कर रहे हैं, सामने एक नई आंटी आई है ना रहने। छी छी बेटा, अपने पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलते। सच बोलने को तो वही कहते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये गोपाल अंकल। अच्छा। और ये मेरे पापा शरीफ। बैठो बैठो बेटी बैठो। किससे मिलने आए हो? जी मैं दीदी से। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर जासूस हूँ। ओह खलूस। नहीं पापा, जासूस। ओह जासूस। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं कवि हूँ, लिखता हूँ, बजाता भी हूँ और कभी कभी गा भी लेता हूँ। आजकल एक नई कविता लिख रहा हूँ मैं, बालकनी में खड़े होकर, जिसका शीर्षक है आग पानी और धुआं। अच्छा अच्छा, इसका एक मतलब हुक्का। जी। अरे भाई ये खड़ूस। जी नहीं जासूस। क्षमा कीजिएगा, ये खड़ूस, ये जासूस तुमसे मिलने के लिए आए हैं और तुम होके सो रही हो। अरे भाई इनके लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। नहीं पापा, ये कोई चाय का समय है, ये तो खाने का समय, वो भी होटल में, है ना दीदी? ए तू चुप नहीं बैठ सकता? कल अगर आपकी मीटिंग फिक्स करवा दूं तो कितना मिलेगा? 5 रुपए। पिछले वाले ने तो 10 दिए थे। क्या? नहीं, मजाक कर रहा था दीदी। आपको शीला आंटी के यहाँ जाना था ना, अंकल भी जा रहे हैं, छोड़ देंगे आपको। चलिए ना। पर पापा के लिए तो अच्छा है, बालकनी में बैठ के कविता लिखेंगे एकांत में। प्लीज चलिए ना। अच्छा आप बैठिए, मैं अभी तैयार होकर आई।
मारा गोली कमीने को। एक मिनट, एक मिनट, इसे गोली मारने की क्या जरूरत है, इसके लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। अरे तुम कमीने लोग, ए औरतों के मुंह नहीं लगता। ये आपका अब तक का सबसे बड़ा कमाल है कि हमारा मुंह छू दिया। अरे नहीं, आपने इन बैंक रॉबर्स को पकड़ के पुलिस की बहुत बड़ी मदद की है। बैंक रॉबर्स?